खाना बनाने जा रही हूँ। मांग टीका पहनी हूँ, ऐसे मांग टीका पहनते हैं किसी के यहाँ राजस्थान, हाँ राजस्थान कह रही हूँ किसी के यहाँ। मेरे को थोड़ा सा कमी है मेरे पास। चलो गाइस किचन में चलते हैं, खाना बनाते हैं। मम्मी टिंडा की खाई, आलू सेम खाओगे? आलू सेम खाओगे कि टिंडा? मम्मी मम्मी मैंने बोला आलू सेम खाओगे तो कि टिंडा, तो कह रहे दोनों में से कुछ भी नहीं। ऊपर अपन झूर पिया के झाड़ के रखो, लागत तो देखिए कटाई हुआ। मम्मी को दिखाई रही ना आंटी, आज दिखा आ रविना। मम्मी आपने रविना के बाल देखे? कल कटवाई थी ले जाके। क्या भूल गए? क्या भूल गए? हाँ जा छिटा गया ना धनवी, अपना मेकअप तो वहीं भूल गई। दूसरा वो कुरियर करेंगे ना वैसे भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निकू सुमित ऑफिशियल। सो आज हम लोग क्या क्या लेके आए हैं इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाली हूँ। मैंने सोचा कि दिखा देती हूँ, उसके बाद कहाँ कहाँ के लिए आए हैं जब वहाँ रखूँगी तो वो भी दिखा दूंगी। तो गाइज इतनी सारी चीज़ें आज हम लोग लेके आए हैं जो आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी चीज़ें हैं। पता नहीं इस पे प्राइस टैग अगर होगा तो मैं टैग के साथ बता दूँगी। वैसे हम लोग किसी और मार्केट गए थे कि वहाँ से ये सारी चीज़ें लेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। उनके साथ है जहाँ पे एक शॉप उनको अच्छी लग जाती है तो उनको सारी चीज़ें वहीं से समझ में आती है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। सो गाइज चलिए सबसे पहले तो दिखाते हैं। तो हम आए हैं ये मैट, और मैं प्राइस के साथ बताऊंगी ताकि हो सकता है कि आपको ये सेम चीज़ चाहिए हो तो आपको इजी पड़ जाए, और बस इसीलिए। सो ये हमने 3 मैट लिए हैं, और डोर मैट जो पानी वगैरह के लिए, और ये एक हमें पड़े हैं 799 का, बट इस पर आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिला, और ये 699 में एक पीस मिला है। और मैंने 3 पीस लिया है तीनों बाथरूमों के लिए। ये आप देख सकते हो, एक ब्राउन कलर में लिया है, एक ब्लू कलर में लिया है, और एक और ब्लू कलर में लिया है। तो ये 3 डोरमेट्स लिए हैं जो रखने के। सो गाइज मैं ये डोरमेट्स का कह रही थी कि लोकल मार्केट में इससे सस्ते मिलते हैं, लेकिन क्वालिटी का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। उसके बाद हमने लिया है ये सुंदर सा होम डेकोर आइटम, ये हमें मिला होम 365 में 2600 का। ये हमने लिया है जो सोफ़ा के साइड में, हमारा जो साइड टेबल है वहाँ पे रखने के लिए। अभी मैं आपको रख के भी दिखाऊंगी। और ये शो पीस ना, मतलब हम लोग पहले वहाँ वाले मार्केट भी गए थे कि वहाँ पे देखें और वहाँ पे सब कुछ मिल जाए, लेकिन मतलब जो एक वो होता है ना कि इसमें वेट और जो शाइन था वो वैसा नहीं मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें होती है कि एक बार ही लेना होता है, तो इसलिए इस हिसाब से लिया। उसके बाद लिया है, घर में बहुत दिन हो गए थे, सारे जो कप है हमारे वो टूट गए थे, और बड़ी मुश्किल से चीज़ें चल रही थी, जुगाड़ पे चल रही थी। सो इसीलिए इसमें से हमने कितने लिए हैं, 12 लिए हैं, 6-6 का सेट लिया है, इस तरीके के कप लिए हैं, कप पूरा। और ये हमें मिला था कितने का मिला था, 659 का, 716 का है बट इस पर ऑफ था, तो 659 में ये कप मिला है 6 का सेट, और हमने लिया है 12 पीस। उसके बाद है हमारे पास ये सुंदर सा आइटम, और मतलब ये हमें बहुत टाइम से ये सब चीज़ें लेनी थी, लेकिन थोड़ा सा हम लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो जाए, और घर के लिए हमेशा आप देखते हो कुछ ना कुछ हम लेते ही रहते हैं। उसके बाद लिया है ये हमें पड़ा है 899, इसका जो MRP है वो 1299 है, बट ये प्राइस इसका सेल है 899। सो ये हमने लिया जो हमारा डाइनिंग, ये हमने 2 ले लिया है। अरे हमें ध्यान था कि निकलवाना है एक पीस,
और ये हमने दो दो ले लिया, चलो कोई नहीं एक निकलवा देंगे। तो ये सेंटर टेबल के लिए लिया है, एक सेंटर टेबल पे और एक डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए लिया है। इसमें एक पे डाइनिंग पे रखने के लिए फ्रूट्स करके रख देंगे और एक में क्या करके रख देंगे, और कभी कुछ हुआ ना कि डेकोरेशन वगैरह के हिसाब से रख देंगे। उसके बाद हमने लिया है, यार इसको हटा के जाऊँ, उसके बाद हमने लिया है ये वॉच जो कि है हमारे उसके लगाने के लिए बड़ा सा वॉच लिया है, ये आप देख सकते हो। ये हमने वहाँ ही वाले लोकल मार्केट से लिया था, ये हमें उन्होंने दिया था 2350 रुपये का। पता नहीं हम ठगाए हैं या सही है, आप पास से देखो इस पे ना, ये बहुत ही सुंदर सा ये जो पूरा है ये डिज़ाइन हुआ है, ये बहुत ही सुंदर है। इसके बाद हमने लिया है ये लैम्प, ये लैम्प लिया है हमने जो डाइनिंग जो सोफा वाला रूम है ना दोनों के साइड में रखने के लिए, इस तरीके से लैम्प। और ये आप देख सकते हो प्राइस 1890 का ये हमें एक लैम्प मिला है, हमने दो का सेट लिया है, दोनों साइड एक एक रखेंगे और उसके आगे हम ये रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है धनवी के लिए पानी की बॉटल जो मिली 769 में। आई नो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आएगा मैं ऐसे रेट बता रही हूँ तो, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद भी आएगा क्योंकि इससे होता है ना आइडिया लग जाता है अगर हमें कि मतलब हमें वहाँ से लेना है नहीं लेना है इस चीज़ से। उसके बाद हमने लिया है ये दो बहुत ही सुंदर सा ओम डेकोर, इस तरीके का बोलते हैं, हॉर्स घर में रखना बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है, तो ये भी हमने वहाँ पे डेकोरेटिव आइटम ही है रखने के लिए लिया है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और इसका प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा है कितने का है, इसमें टैग नहीं है, टैग भी निकाल दिया। उसके बाद जिस चीज़ के लिए आप लोग बहुत दिन से ट्रोल कर रहे थे मसाला दानी, तो फाइनली मैं लेके आ गई हूँ। जब हमने किचन का सारा जो भी आपने देखा ना, जब किचन का इंटीरियर हुआ था तो सारा जो बर्तन है वो चेंज कर दिया था, सिवाय एक ही मसालेदानी हम नहीं लेके आए थे क्योंकि इससे हम बोर हो गए थे, हमने सोचा था डब्बे में रखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि मसालेदानी अगर सही से हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सारे इसमें चीज़ें रखा जाती है। और ये हमें मिला है 1152 का, वहाँ पे होम 360 में ये तो सबको पता है कि थोड़ी सी चीज़ें एक्सपेंसिव होती है, लेकिन वो ऐसा होता है ना कि आपको मतलब क्वालिटी देते हैं, क्वालिटी देते हैं और अच्छी चीज़ होती है। उसके बाद हमने लिया है एक आइटम, अरे यार तो ये आइटम तो ये है, हमने अपने रूम में रखने के लिए लिया है और ये 699 रुपीज़ का मिला है। इसको कहते हैं रूम में रखना चाहिए, हस्बैंड वाइफ के बीच अच्छा रिलेशन रहता है तो ये इसलिए हमने रख लिया है अपने रूम में रखने के लिए कि हमारा भी रिलेशन अच्छा रहे और ये मस्त रहे। और ये है दूसरा हमारा लैंप जो हमने लिया है, इसको यहाँ रखते हैं। ये हमने लिया था एक कप का सेट जो हमारे गेस्ट हैं उनके लिए लिया है, ये हमने लिया है उनके लिए। और ये थोड़ा सा अलग सा डिजाइन, ये ऐसा, ये हमें कितने का पड़ा है एक मिनट बताता हूँ आप लोगों को, सो ये हमें पड़ा था कितने का 2449 का, 2450 रुपये का बस। सो यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस बार शॉपिंग किया है, वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए छोड़ के गिलास में चाय पिए, क्या छूट गया आपका, एक बास्केट सामान ली थी दादी, बार बार छोड़ के कहाँ चली जा रही है चाची ने, और बाकी कुछ दिखाना भी मत वरना फिर मान वो करना। बाबू बाबू थोड़ा सा आवाज कम कर लो बेटा प्लीज,
यूट्यूब पे इतना गरियावत लागत मसलदानी हमने के नहीं सन कीन सकत। हाँ मैं हम वो तो होता ही था कि यूज नहीं होता था तो लोग इतना उल्टा सीधा बोलते थे मम्मी। अब वो करेंगे नहीं खे शायद मम्मी अजवाई कितना क्या वाला पापा जी 100-150 का तो मम्मी अभी रुको आप चलो मम्मी उधर तो चलो आप 60 रुपए का मिलता है ना उधर तो चलो क्या चुन्नी वहीं पे छोड़ दी थी। नहीं अभी वो कुछ कराई नहीं वो मेरे फटी का अब दी और बस पहन के चली गई मैंने बोला इसको कराने के लिए। तो गाइस क्या आपके घर में भी जो आपके पापा दादाजी हैं वो ऐसे ही रिएक्शन देते हैं? मेरे ससुर जी हमेशा उनका सेम रिएक्शन है। हम जब भी कोई भी सामान खरीद के लाते हैं तो वो हमें बहुत डांटते हैं क्यों खरीदा किस लिए खरीदा ये इतने का नहीं इतने का मिलता तुमको लूट लिया है ऐसे वैसे। वो कभी खुश नहीं होते कोई भी सामान देख के बस वो हमेशा ये बोलते हैं पैसे बचाना सीखो पैसे सेव करना सीखो। तो जब भी हम कोई भी सामान खरीद के लाते हैं या तो उनको दिखाते नहीं और अगर हमने उनको दिखा दिया तो हम हमेशा उनसे झूठ बोलते कि पापा जी ये 10 रुपये का नहीं ये 5 रुपये का ये 5 रुपये का नहीं ये 2 रुपये का। तो हमेशा हमारा ऐसे ही होता है पापा जी के साथ और वो कभी खुश नहीं होते। और उसके बाद फिर मैं अपना जो भी सामान जहाँ जहाँ के लिए लाई थी जैसे पायदान यहाँ के लिए वो रखना शुरू कर दिया था। अगर इस बात से आप एग्री हो तो कमेंट में बताना कि आपके घर में भी ये सेम चीज़ होती है। वही हमारी जो सासू हैं वो बहुत खुशी खुशी देखती हैं हम कोई भी चीज़ लेके आएँ बहुत खुशी खुशी उनसे हम कभी कोई प्राइस कुछ ऐसा बोलते भी नहीं है इतने का नहीं इतने का नहीं है वो खुशी खुशी सारी चीज़ें हम उनके साथ शेयर करते हैं। लेकिन पापा जी के साथ हमेशा हमें हर चीज़ का रेट छुपाना पड़ता है यहाँ तक हमको सामान भी छुपाना पड़ता है। जब थोड़ा सा यूज़ हो जाता है पुराना हो जाता है तब हम लोग बोलते थे ये तो पापा जी बहुत पुराना है ये तो पहले का आया हुआ था। कोई आया जैसे इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ऊपर से गुलाब के रोज पेटल्स वगैरह डाल दिए वो ये रख दो वहां पे इतना सब वो कौन है सर हमें इसलिए दो रखो वो तो मैंने ऐसे ही किचन डिज़ाइन करा रहे थे ना तो ये क्रॉकरी यूनिट मैंने अपनी पसंद से डिज़ाइन कराया था कि इसमें बहुत सारे डेकोरेटिव चीज़ें ला ला के अलग अलग रखेंगे। बट जब से घर का काम हुआ उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा इधर उधर चीज़ें चलती हैं कि कभी कुछ मंथ में सोचो कि हम ये करेंगे तो फिर वो कहीं और ही कुछ खर्चा आ जाता है तो फिर उसमें लगना पड़ता है तो ये हो ही नहीं पाता था। बट फिर भी हमने सोचा है धीरे धीरे करके जो भी अपने किचन का ज़रूरत की चीज़ें घर की ज़रूरत की चीज़ें वो धीरे धीरे करके हम लोग ज़रूर करेंगे जैसे हो पाएगा वैसे धीरे धीरे। बाकी ये दोनों बाउल आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताना और ये लैम्प कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में बताना। बट ये जो लैम्प है इसके साथ एक प्रॉब्लम हो गई है हमने इसको लगाने के लिए गए तो ये फ्यूज़ था और ऊपर का ये जो टोकरी जिसे कहते हैं ये सेट नहीं हो पा रहा था। वहीं से स्विच तो ऑन करो स्विच ऑन है अच्छा इधर से मेरे को धुआं आ रहा है हां बंद करो वो ढक गया आपका वो ढक दे इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देना लाइटर को नीचे से थोड़ा सा नीचे ना थोड़ा ऐसे ऐसे ही स्केच पे रखोगे।
कुछ नीचे इससे तो सही लग रहा होगा ये तो काम चला रखे थे इसके लिए लैंप थोड़ा सा और बढ़ गया वो तो बहुत अच्छा लग रहा है ब्लैक कलर है ना वो ना लैंप के नीचे ना कुछ और रख देना कोई ईंट ईंट जाएगा क्या गिर जाएगा ईंट लैंप लेकिन बड़ा चाहिए उसको ले चला उसको बोलेंगे कि इससे बड़ा नहीं आ रही नहीं था तो छोड़ देना फिर इधर देख क्या दिखा मेरी दादी उसके मुंह में से बाल हटता ही नहीं है मेरी दादी देखो मम्मी वो उल्टेगा उल्टेगा दादी कैसे कैसे मेरी दादी दादी कैसे दादी कैसे मेरी दादी मेरी दादी अच्छा ठीक है दादी दादी मेरी दादी नन्ही कैसे इधर मम्मा की तरफ देख इधर कैसे वो कोना लग मन पता है वो कोना मुझे मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग एंड कर रही हूँ आज का बाप रे बड़े खूबसूरत है आपके पैर जो आपके पैर दिखा रहे सो गई थक गई बहुत थक गई आके खाना वाना बनाया टिंडा और आलू की सब्जी बनाई थी और दाल चावल बनाया था अपुन ने जब कहीं बाहर से जाओ ना तो मन करता बाहर से कुछ अच्छा सा खाना लेके आओ खुद भी खाओ सबको भी खिलाओ लेकिन हम लोग उधर इतना पार्टी भी फंक्शन में थे ना तो इसलिए हम अभी थोड़ा सा घर पर ही ज़्यादातर खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और घर का ही खा रहे हैं तो टिंडा और दाल चावल बनाया खाया बस ब्लॉग को करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो और सारी जो चीज़ें हम लोग लेके आए वो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय